2000 के नोट पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आरबीआई ने 2000 के नोट पर रोक लगाई है। 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 के सभी नोट अवैध किए जाएंगे। जिन लोगों के पास भी 2000 के गुलाबी नोट पड़े हैं वो 23 मई में किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। एक बार में 20,000 तक ही नोट चेंज किए जाएंगे। ऐसे में आम जनता से भी पूछेंगे मिनी नोटबंदी पर उनकी क्या प्रक्रिया है। सरकार की तरफ से कल मिनी नोटबंदी की गई है, यानी कि 2000 के नोट चलन में बंद रहेंगे। ऐसे में हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि क्या उनके पास 2000 के नोट पड़े हैं। सर, आपके पास कितने हैं नोट 2000? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, कोई नोट नहीं है 2000 का, कोई नोट नहीं है। कल नोटबंदी हुई है, यानी कि मिनी नोटबंदी हुई है, 2000 के नोट चलन में बंद रहेंगे, यानी कि आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हो, तब भी आपके पास हो आप डिपॉजिट करा सकते हो। हाँ नहीं, सारी सर मेरे पास नहीं है 2000 के अवेलेबल। कोई नोट नहीं, कोई अवेलेबल नहीं। सर, आपका नाम? मणिराम शर्मा। मणिराम जी, जिस तरह से कल मिनी नोटबंदी हुई है, यानी कि 2000 का नोट चलन में बंद हुआ है आरबीआई की तरफ से, आप किस ढंग से देखते हैं और आपके पास कितने नोट हैं? मेरे पास तो सर एक ही नोट है। ये कब का? ये कोई 2 साल आ रखे, परसों ही रखे जाए। 1 साल से बड़ा हुआ है नोट। तो आपने मार्केट में चलाया नहीं ये नोट? चलाना क्यों, ऐसे रखा है भाई, चलो पुराना नोट रखते हैं, बड़ा नोट हम। तो अब इस नोट को क्या करेंगे? मैंने आरती को दिया है सुबह। अच्छा। वो बोलता है हम नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। मैं क्या क्या बात है, आखा बैंक में कराओ जाके जमा। तो आपको ये बैंक में करवा देना चाहिए। आपको पता है कि बैंक में 23 तारीख से बाद बैंक में जमा हो जाएंगे, 23 तारीख के बाद, और 30 सितंबर के बाद ये नोट रद्द हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि 30 सितंबर उसके बाद रद्द हो जाएंगे, उसके बाद ये नोट रद्द हो जाएंगे। अभी 23 तारीख में आप ये जमा करवा सकते हैं। ठीक है मेरे को भी तो ही सुनाना है, ये नोट आज कड़ी है, तो बाहर कड़ी था एक। अच्छा, मतलब एक या दो ही नोट पड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम रोहन महाजन। रोहन जी, जिस तरह से मिनी नोटबंदी की गई है कल से, यानी कि 2000 के नोट चलन में बंद किए गए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ब्लैक मार्केट्स पर इसका क्या असर रहेगा? सर, जैसे कि आज की डेट में बिजनेस आया, बिजनेस सारा ऑनलाइन बेसिस हो गया है, तो करेंसी तो मार्केट में आती नहीं है। बाकी रही 2000 रुपये की नोट की बात, वो तो आप बोलोगे कि जो, जैसे कि आज देखा जाए बड़े बड़े लाले सेठ बैठे हैं उनके पास ही होगा 2000 का नोट, ये मार्केट में तो नहीं आता। और बाकी मिडिल क्लास फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि छोटे दुकानदारों को इसको कुछ असर रहेगा? इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छोटे दुकानदारों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं उनको इफेक्ट पड़ता है इस करेंसी को। अभी हम बैंक के कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे कि मिनी नोटबंदी पर उनकी किस ढंग से तैयारियाँ चल रही हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अनुराधा राजदान है। मैं इस वक्त यहाँ HDFC बैंक बख्शीनगर की शाखा के ब्रांच मैनेजर। मैम, जैसे कल से मिनी नोटबंदी की गई है, 23 मई के बाद कोई भी बैंक में आकर पेमेंट 2000 रुपया जमा करवा सकता है, इसके बारे में आपकी तैयारियाँ किस ढंग से चल रही है? देखिए, हम जब डीमोनेटाइजेशन के टाइम जब ऑर्डर आया था, हम तब भी तैयार थे और हम आज भी तैयार हैं। 23 मई के बाद जिस तरीके से यहाँ पर कस्टमर्स का आना जाना लगेगा और जिस टाइप से वो कैश लेकर यहाँ पर आएंगे, तो हम उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे स्टाफ को हमने पूरी ट्रेनिंग दे दी है, लाइंस को मैनेज करने के लिए एक अलग से स्टाफ रहेगा और हमारी पूरी तैयारी है सर इसके लिए। मैम, एक सर्कुलेशन आया है, वो आप बता सकते हो कि एक व्यक्ति कितनी पेमेंट जमा करवा सकता है? कहने को तो 20,000 रुपया, क्या वो 20,000 जमा कराने के बाद दोबारा से लाइन में लग सकता है आम जनता के बीच? देखिए सर, अभी हमारे पास भी इस तरीके की पूरी पुष्टि नहीं की गई है, अभी हमारे पास भी पूरी तरीके से गाइडलाइन नहीं आई है। सभी गाइडलाइंस 22 तारीख की शाम तक जारी कर दी जाएंगी। एट प्रेजेंट हमें यही नोटिस के जरिए तो यही पता लग पा रहा है कि 20,000 की लिमिट एक प्रति व्यक्ति के लिए है, एक ही इंसान दो बार कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएगा। बट मेरा इस पर कुछ भी पुष्टि करना भी ठीक नहीं रहेगा जब तक कि हमारे पास फाइनल गाइडलाइंस नहीं आ जाती। मिनी नोटबंदी पर हमने आम जनता से भी बात की कि छोटे दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास तो 2000 का कोई भी नोट नहीं है, कई दुकानदारों के पास तो एक या दो नोट है, यानी कि मिली जुली सरकार है, कईयों के पास अधिक नोट है और कईयों के पास बिल्कुल भी 2000 के नोट नहीं है। दीजिए इजाज़त मेरी और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट कर्तव्य गुप्ता के साथ, मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट चम्मू।